ये देखो ये उसने पकड़ी हुई है। अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम माल्टा। जी माल्टा में आज मेरा तीसरा दिन है और आज हम माल्टा में क्या करने वाले हैं आपको दिखाएंगे वीडियो में, क्या करने जा रहे हैं आज हवा बहुत तेज़ है, हम अपना माइक भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई करेंगे कि व्लॉग बाहर रिकॉर्ड कर पाएँ। बात करते हैं जी माल्टा का जो बिल्डिंग जो घर है उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है जैसे अरेबिक कंट्रीज का नहीं होता। अभी दोस्त है वो दूसरी तरफ गए हैं और गाड़ी दूसरी पीछे खड़ी है और मुझे चलानी पड़ रही है ये गाड़ी, अब मैं लेके जाऊंगा और शहबाज भाई जो गाड़ी वो पीछे दूसरी लेके आएंगे, पहले आएंगे मैं उनको फॉलो करता हुआ जाऊंगा। भाई यूरोपियन रेजिडेंट होने का फायदा तो ये है ना, आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं यूरोप में। हम एक माल्टा के गांव में आए हैं, यहाँ पे हमने बकरा लेना है और बकरा आपको दिखाते हैं, गाँव भी दिखाते हैं माल्टा के गाँव कैसे हैं। ये देखें जी बकरे देखें, तो जी ये बकरे हैं यहाँ पे, ये गांव में आए हैं, ड्राइव में करके आया हूँ मैंने आपको दिखाया जैसे ये अच्छा लगा। राइट हैंड ड्राइव है यहाँ पे माल्टा के अंदर, थोड़ा आपको कंट्री साइड दिखाएंगे जो गांव है वो। आज थोड़ी हवा चल रही है जिसकी वजह से शायद आवाज़ में थोड़ा वो कुरकुरा करके माइक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखें लेट्स सी कि व्लॉग कैसा बनता है, हम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं ना, तो अभी हम बार्गेनिंग करेंगे। वैसे बकरे नहीं है, बकरियाँ का ईद है तो प्लान है जी बकरा पार्टी करने का, तो इसलिए हम बकरा देखने आए हैं। हम यहाँ पे आए थे इसके लिए बकरा लेने, तो बकरा मिला नहीं है, तो ये मार्केट में ये कहते हैं जी खरबूजा जो है इसकी भी कुर्बानी हो जाती है, तो अभी इसकी कुर्बानी इसको छुरी फेरेंगे तो सबको दो दो मिलेंगे, ये फ्री मिल रही है। सुबह से जी बकरा ढूंढ रहे हैं, बकरा तो हमें नहीं मिला और उमर भाई उस तरफ गए किसी से पूछने, पीछे गांव है सारे और गांव में चेक करें किसी के पास बकरे हो तो बकरा ले लें, तो अभी घूमते घूमते हम लोग बकरा ढूंढते हुए इधर आ गए हैं जी। ये एरिया देखें, ये भी टूरिस्ट प्लेस है। हाँ जी, और ये ब्लू ग्रोटो है, ब्लू ग्रोटो जी। और शहबाज भाई और उमर भाई वगैरह ने पहले एक यहाँ पर गया था, उन्होंने कहा था कल में पड़े थे, पता नहीं वो भाई मुझे देखेंगे थे वो भाई, भाई जो आप देख रहे हैं बता देना नीचे कल में किसने पड़े थे। और यहाँ से बोट्स जाती हैं, आप वहाँ से फिर समंदर में जाते हैं घूमने के लिए। बोट ही तो हमें लेके गई थी, ये लहरें देख रहे हैं आप समंदर की, ये वो स्मॉल बोटें दिखाएं जी इनको, छोटी वाली बोट है ना, दूर है वो छोटी बोट नजर आ रही हो तो वो बोट वहाँ से आपको लेके जाती है समंदर की। छोटी होने की वजह से हमें परेशानी बनी थी और जो बोट की जो मोटर थी ना वो जब चल रही थी तो हमें यही परेशानी थी, लहरों की इतनी परेशानी नहीं थी जितनी मोटर की थी कि ये ना कि वो बंद हो जाए। तो जी ये रहा माल्टा, माल्टा बड़ा खूबसूरत है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, पुर्तगाल भी बहुत खूबसूरत है भाई, ये नहीं है कि पुर्तगाल नहीं है लेकिन इसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी खूबसूरती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बताया जैसे अरेबिक स्टाइल कंट्रीज़ का नहीं होता, इस तरह के बिल्डिंग्स बनी हुई लीबिया यहाँ साथ लगता है और लीबिया वालों ने यहाँ पर कब्जा भी किया हुआ था माल्टा के ऊपर, तो उनका स्ट्रक्चर जो है ना, लीबिया भी एक अरब कंट्री में शुमार होता है लेकिन अरेबिक लोग हैं वहाँ पर भी, तो उनका जो कल्चर है जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का घरों का वो वैसा है। तो ले जी अभी घूमते हैं, लास्ट टाइम व्लॉग्स में आपको दिखाया था मैंने जब ड्रोन में वो जीरा छोटा सा टापू बना हुआ है वो है, लेकिन अभी एक्सपीरियंस हो गया हमें, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करें कि आपको जजीरे हैं, अभी तो कुछ काम के रिलेटेड हम लोग आए हुए हैं, फिर जजीरे भी आपको घुमाएंगे। अभी जी डिसाइड हुआ है कि हम वहाँ नीचे किश्तियों की तरफ जा रहे हैं, व्लॉग में दिखाते हैं आज ही आपको भी। जी अभी हम लोग जो हैं एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट के ऊपर आ गए हैं और उमर भाई नीचे जा रहे हैं। उमर भाई आ जाओ
हमने आपको ऊपर से दिखाया था, लेकिन यही पे कलमे पड़े थे, पानी का बहुत ज्यादा पानी है। लहरें देखे आप, छोटी सी बोट, छोटी सी बोट भाई, हमने एक्सपीरियंस करेंगे इसका। अभी हम जरा टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे ले जी, भाई का मोबाइल गिरते गिरते बचा गिरते मोबाइल बचा मैं क्रिकेट के दौर में क्विकनेस देखी आपने, अगर वीडियो में आई होगी तो आपको पता लग जाएगा। सो जी हम ऊपर से जो है ना नीचे और मजीद आ गया, हमें यहाँ पे एक जगह मिली है बनी हुई है, यहाँ पे पानी का प्रेशर देखे आप भाई, वो लहरें देखे यहाँ पे भी गा रहा मछली पकड़ा यहाँ पे। वैसे लग रहा है गहराई काटे पानी क्लीन है इसलिए मारो शुभ तो जंप जंप मारो अभी हम उस स्पॉट पे आ गए हैं जैसे हमने आपको उस वहाँ से ऊपर से हमने आपको दिखाया था ये स्पॉट, कोई कश्ती नजर आई वाली वो बोट्स हैं। तो अब लोग हम यहाँ पे ये गोरे को नंगे पुंगे होकर नहा रहे हैं, खैर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसने मछली पकड़ी भी है, दिखाऊं ये देखो ये उसने पकड़ी हुई है जी। ये छोटे बच्चे ने जो है ना छोटे बच्चे ने पकड़ी है फिश और आपको उन्होंने दिखा दिया, ये बच्चे इनके इतने एक्सपर्ट होते हैं, हमसे तो छोटी सी चिपकली भी पकड़ जाती। अभी रात के बज गए हैं 10 और हमने पहने जी चप्पलें, शिबाज भाई ने भी चप्पलें और मेहर भाई ने भी चप्पलें, तो हमने डिसाइड किया चप्पलें पहन के जाते हैं, सारा दिन हमने शूज़ पहने ही रखे हैं। 10 बजे का टाइम है, देखिए जी पीछे सारी मार्केट बंद हो गई है, जैसे यूरोप में सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ें बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, माल्टा में भी हो गई हैं, लेकिन अगर पुर्तगाल लिस्बन की बात की जाए तो वहाँ पे चीज़ें खुली रहती हैं 10-11 बजे तक भी, तो लेकिन यहाँ पे भाई बंद हो गई हैं। रात के बज गए जी 2 इस टाइम और हम अपने बशिंदों के साथ घूम रहे हैं माल्टा की गलियों के अंदर, तो माल्टा में भी जी क्राइम रेट अमेर भाई ने बताया हमें बिल्कुल नहीं है, अब बहुत लो क्राइम रेट है यहाँ पे। हम वॉक कर रहे थे, अभी रात के 2 बज गए, इसे अंदाज़ा लगा लें कि लिस्बन में हम नाइट राइडर हैं और माल्टा में हम नाइट राइडर हैं। क्यों? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे माल्टा की सबसे बड़ी खूबी है कि यार पीसफुल है, कोई क्राइम नहीं है, 0% क्राइम है, सुकून है। तो इसी हिसाब लोगों को करते हैं ख़त्म अपना बोसा ख्याल के वीडियो को, लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिए, कल है ईद है और कल ईद का व्लॉग आपने लास्ट में देखा, अपना बोसा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।